आप सभी बच्चों का एमपी करंट अफेयर्स सीरीज में स्वागत है। आज 1 मार्च 2022 से हम इस डेली एमपी करंट अफेयर्स सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग रोज़ के जो भी इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश के ही जो करंट अफेयर्स जो हैं उसको ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा जो हमारी दूसरी रिलेटेड चीज़ें होंगी जो उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स से रिलेटेड है जिसको हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया एमसीक्यू फॉर्म में, हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो केवल क्वेश्चन और उसका आंसर ही नहीं बल्कि उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी डिस्कशन में लाएंगे। ये पूरी सीरीज़ का जो कॉन्वर्सेशन होगा वो बायलिंगुअल होगा, जबकि जो पूरे नोट्स होंगे डिस्क्रिप्शन के साथ वो इंग्लिश में रहेंगे। चल तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस सीरीज को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, जो भी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप लिंक के थ्रू भी उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है मयूर कस्तूरी लर्निंग ऐप, और इस ऐप में भी आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, वीडियो भी और इसी के साथ साथ जो पीडीएफ है वो भी। और अगर आप टेलीग्राम के थ्रू एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी डाउट आने पर आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो करंट अफेयर्स सीरीज में अब हम लोग पहली चीज की बात करें। रिसेंटली हमारे शिक्षक, हमारे प्रेरणा स्रोत ब्रुक हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत बुक रिसेंटली लॉन्च की गई। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो लॉन्च की गई है एस धन राजू जी के द्वारा। अब ये कौन है धन राजू? तो धन राजू एस, कई कई जगह इनका नाम धन राजू एस या कहीं कहीं एस धन राजू नाम से आता है। और हम देखते हैं ही इज द डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश एजुकेशन सेंटर। मध्य प्रदेश एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर लॉन्च दिस बुक इन एसोसिएशन विद पीपल्स सोसाइटी। दिस बुक कुड ऑल्सो बी एक्सेस ऑन दीक्षा पोर्टल। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, एक हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन, अब उससे एसोसिएटेड जितनी बातें होंगी वो प्लस उसके इर्द गिर्द घूमते हुए पूरा डेटा जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो भी देखेंगे। तो हमने देखा कि जो हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत बुक है, पहला क्वेश्चन आएगा भाई किसने, तो एस धनराजू साहब ने इसको लिखा। इसके अलावा हमने देखा कि कहां पर एक्सेस की जा सकती है, दीक्षा पोर्टल, बहुत बड़ा पोर्टल। और मैं आपको बता दूं ये इसलिए बड़ा पोर्टल बन गया, जब उसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया तभी इतना बड़ा पोर्टल नहीं था, लेकिन कोविड के बाद जब कोविड आया, कोविड से इसमें आप हैरान रह जाओगे सुनकर कि 3 करोड़ हिट्स पर डे, तो 3 करोड़ लोग जा रहे हैं उस पोर्टल को एक्सेस करें, जो कि बहुत बड़ी सफलता है। और ये क्या था पोर्टल, ओरिजिनली किस पर्पस के लिए बनाया था और अब इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो हम दोनों बातें देखते हैं। तो दिस बुक ऑल्सो कुड ऑल्सो बी एक्सेस्ड ऑन दीक्षा पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री भी शॉर्ट में बोलते हो, इन 2017। तो दीक्षा पोर्टल 2017 में आया। दीक्षा ऑफर्स हाई क्वालिटी लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स इवन ऑन सब्जेक्ट्स दैट गो बियॉन्ड करिकुलम सच एज मेंटल वेलबींग। तो हम देखते हैं कि ओरिजिनली जब इसको बनाया गया था ना, तो टीचर्स की ट्रेनिंग पर्पस सबसे मेन जो इसका एम था वो था कि भाई टीचर्स को ट्रेन किया जाए और टीचर कम्युनिटी बने, लोग आपस में जुड़े, अलग अलग मॉड्यूल्स में टीचर्स को जोड़ा जाए। और बच्चे भी आते थे लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं। लेकिन मार्च 2020 से जैसा मैंने आपको बताया कोविड आने के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी एक्सेस कर रहे हैं और 3 करोड़ हिट्स पर डे इसका चल रहा है, अब आप सोचो। और हाई क्वालिटी लर्निंग, बच्चों को बहुत फायदा, फ्री में बहुत सारी किताबें, फ्री में टीचर्स के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। स्कूल्स जो लेवल लर्निंग है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दीक्षा का जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये है दीक्षा का फुल फॉर्म, डी आई और फिर हम देखते हैं के और यहां पर एस। तो क्या होता है कि कभी कभार जब कोई पर्टिकुलर नाम लाया जाता है तो कोशिश की जाती है कैसे उसको शब्द से एसोसिएट कर दिया जाए जिससे वो शॉर्ट भी हो जाए और एक विजन भी क्लियर हो जाए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो ये है उसका दीक्षा जो उसके नाम से उसको बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर भी हम देख सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ एनसीईआरटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, तो हमारे पहले क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीजें देख ली। सबसे पहले हमने देखा कि बुक का नाम क्या है भाई जिस पर क्वेश्चन आ सकता है और किसने उस बुक को लिखा है, तो एस धनराजू साहब ने उसको लिखा है। इसके अलावा हमने देखा कि दीक्षा पोर्टल पर एक्सेस किया जा सकता है, दीक्षा का फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और इसके अलावा हमने यहां पर उसका भी एक इमेज देख लिया। अगली बात करते हैं, कुछ और किताबों की बात करेंगे, कुछ और किताबें जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं उनसे संबंधित, तो वो हम
लोग अब देखने वाले हैं। बहुत काम की इसलिए क्योंकि कुछ कुछ पर्सनैलिटीज इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं कि आप कभी भी उन पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, भले ही वो करंट अफेयर्स में ना भी रहें। जैसे कि जैसे शिवराज सिंह चौहान और सुमित्रा महाजन, कमलनाथ, आनंदीबेन पटेल, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि करंट में, इसलिए मैंने बोला हम एक पर्टिकुलर करंट अफेयर्स डिस्कशन करने के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन जो जहाँ पर जरूरी है वो भी देखेंगे। आइए कुछ किताबों को देखते हैं जो रिसेंटली इंपॉर्टेंट है या कुछ समय से इंपॉर्टेंट हो गई हैं। वायरस से वैक्सीन तक, आदित्य श्रीवास्तव द्वारा ये किताब लिखी गई, तो ये बिल्कुल करंट सिनेरियो से ही एसोसिएटेड। इसके अलावा 1857 की क्रांति और नीमस, तो अगर आप बच्चों को नहीं मालूम, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, 1857 का जो रिवोल्ट है उसकी शुरुआत नीमच से हुई और नीमच से 3 जून 1857 को इसकी शुरुआत होती है। उसी पर आधारित एक किताब है 1857 की क्रांति और नीमच, जिसको लिखा गया है सुरेंद्र शक्तावत द्वारा। तो हमने पहला नाम क्या पढ़ा, वायरस से वैक्सीन तक, आदित्य श्रीवास्तव। दूसरा नाम 1857 की क्रांति और नीमच, सुरेंद्र शक्तावत। तीसरा, अनकहा लखनऊ, लालजी टंडन, फॉर्मर गवर्नर ऑफ एमपी। तो उत्तर प्रदेश से काफी समय से संबंधित रहे वहां की पॉलिटिक्स से लालजी टंडन साहब, मध्य प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर भी रहे, फिर कुछ समय पहले इनकी डेथ हो गई। तो इनकी किताब है अनकहा लखनऊ, क्लियरली डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है अनकहा लखनऊ। तो लालजी टंडन साहब, भारती की शताब्दी, तो कमलनाथ लीडर ऑफ अपोजिशन, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कमलनाथ साहब, पहले ये सीएम रहे, उसके बाद आपको मालूम होगा कि 2020 में उथल पुथल हुआ, कांग्रेस के एमएलएस कुछ छोड़ के 22 एमएलएस चले जाते हैं और जिसकी वजह से सरकार गिर जाती है, बाद में बीजेपी की सरकार बनती है, तो अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, है ना। तो कमलनाथ साहब की किताब भारती की शताब्दी। इसके अलावा एमपी की विकास गाथा, शिवराज सिंह चौहान, तो आउटराइट क्वेश्चन एमपी की विकास गाथा, तो जिसको जिसने पढ़ा है उसको बिल्कुल क्लियरली 2 नंबर मिल गए, जिसने नहीं पढ़ा वो अक्कड़ बक्कड़ में लगा रहेगा। तो एमपी की विकास गाथा, शिवराज सिंह चौहान, प्रतिबिंब प्रयास, आनंदी बेन पटेल, ये भी फॉर्मर गवर्नर ऑफ एमपी, गुजरात की पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड, वहां की फर्स्ट वुमेन सीएम भी रह चुकी हैं आनंदी बेन पटेल, फॉर्मर गवर्नर, अभी तो गवर्नर नहीं है एमपी की, वो एमपी की नहीं है वो, है ना, गवर्नर अभी एमपी के गवर्नर मंगू भाई पटेल साहब। खैर, तो इनकी किताब प्रतिबिंब प्रयास, चलो रिवाइज करें, वायरस से वैक्सीन तक आदित्य श्रीवास्तव, 1857 की क्रांति और नीमच सुरेंद्र शक्तावत, अनकहा लखनऊ लालजी टंडन, भारती की शताब्दी कमलनाथ, एमपी की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान, प्रतिबिंब और प्रयास आनंदी बेन पटेल, मातोश्री सुमित्रा महाजन। तो मातोश्री किताब किसने, सुमित्रा महाजन, फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा, और आपको मालूम होगा कि अभी तो ये स्पीकर नहीं, अभी करंट स्पीकर और लोकसभा के कौन है, ओम बिरला साहब है, ठीक है, चले। तो मातोश्री, सुमित्रा महाजन। इसके अलावा नर्मदा परिक्रमा भारती ठाकुर, तो एक हो गया हमारा भारती की शताब्दी कमलनाथ, दूसरा नर्मदा परिक्रमा भारती ठाकुर, एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे। ध्यान से सुनना, ये जो किताब है ना, ये जो कहानी है, तो माना जाता है कि मध्य प्रदेश में हिंदी में लिखी गई सबसे पहली कहानी, अगर मध्य प्रदेश में किसी राइटर ने हिंदी में कोई पहली अच्छी कहानी लिखी, तो हम देखते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे। आइए आगे की बात करते हैं। माधव राव सप्रे जर्नलिज्म म्यूजियम भोपाल में स्थित है, ये 1984 में एस्टेब्लिश किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माधव राव सप्रे जर्नलिज्म म्यूजियम कहां, भोपाल, 1984। अगली बात करते हैं, फिर पूरा रिवाइज करेंगे जितनी हमने चीज पढ़ी। भावी रक्षक देश के, तो बाल कवि बैरागी बड़ी पर्सनैलिटी, और हम देखते हैं कि 25 जुलाई 2021 को जो एमपीपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ 25 जुलाई 2021 को, उसमें क्वेश्चन भी आया था बाल कवि बैरागी पर। तो पहले हम लोग इनकी बुक के बारे में पढ़ते हैं। तो भावी रक्षक देश के बाल कवि बैरागी, ही वॉज अ हिंदी पोएट एंड पॉलिटिशियन क्यों लिखा है, राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। तो इनकी तो अब डेथ हो चुकी है, 2018 में डेथ हो गई, लेकिन ये राज्यसभा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके राज्यसभा में और मध्य प्रदेश से ही। हिज रियल नेम वॉज नंदराम दास बैरागी, और यही हम देखते हैं कि एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी था, व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट बाल कवि बैरागी, तो नंदराम दास सही जवाब था। तो यहां पर इन पर एक क्वेश्चन आ भी चुका है। आइए, तो हम लोग इससे पहले आगे बढ़े,
वापस पूरी कहानी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बोला हमारे शिक्षक, हमारे प्रेरणा स्रोत जो बुक है उसको किसने लॉन्च किया, एस धनराजू साहब ने। ये डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश एजुकेशन सेंटर लॉन्च दिस बुक इन एसोसिएशन विद पीपल्स सोसाइटी। दिस बुक कुड बी एक्सेस्ड ऑन दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल कब आया, 2017 में आया। यहां पर हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका काम क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचर्स को अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा कॉन्टेंट मिल जाता है, जबकि जो टीचर्स हैं उनके लिए अलग अलग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लर्निंग मॉड्यूल्स हैं अपार्ट फ्रॉम करिकुलम। ऐसा नहीं कि बस आपको फिक्स दिशा में एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, वही हिस्ट्री साइंस मैथ्स पढ़ा रहे हैं, नहीं, इसके अलावा दूसरी चीजों पर भी जो करिकुलम के बाहर है, जैसे मेंटल वेलबींग का हमने एग्जाम्पल भी देखा। इसके अलावा हमने नेक्स्ट बात की जनरल बुक्स की, जो भी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वायरस से वैक्सीन तक, आदित्य श्रीवास्तव, 1857 की क्रांति और नीमच, तो यहां पर सुरेंद्र शक्तावत, अनकहा लखनऊ लालजी टंडन साहब, भारती की शताब्दी कमलनाथ साहब, एमपी की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान साहब, प्रतिबिंब प्रयास आनंदीबेन पटेल, मातोश्री सुमित्रा महाजन, नर्मदा परिक्रमा भारती ठाकुर, एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे और इनका जर्नलिज्म म्यूजियम भोपाल, भावी रक्षक देश के बाल कवि बैरागी, रियल नेम नंदराम दास बैरागी। चल तो यहां पर हमने इस चीज को खत्म कर दिया। अब हम लोग अपने फर्स्ट मार्च 2022 के संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसमें दूसरे क्वेश्चन को उठा लेते हैं। बिल्कुल अलर्ट रहना है, जिंदा रहना है। आओ देखते हैं, विच सिटी विल सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन फर्स्ट मार्च 2022 बाय लाइटिंग 21 लाख दियास, तो 21 लाख दियों को जला के कौन सी सिटी है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली। और मैं आपको बता दूं कि दिवाली 2021 जब हुई थी तो अयोध्या ने 9 लाख से ऊपर, लगभग 9.45 लाख ऐसा कुछ था उनका फिगर, इतना उन्होंने दिए जला के गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। और हम लोग 21 लाख यानी उससे डबल से भी ज्यादा टारगेट कर रहे हैं ये चीज अचीव करने की उज्जैन में। तो उज्जैन में इस चीज को हासिल करने का प्रयास 1 मार्च को, यानी आज के दिन लागू, ये आज के दिन अचीव करने का प्रयास है। गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम्स आ चुकी हैं। आज के दिन को क्यों चुना गया, महाशिवरात्रि के अवसर पर इसको हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की, और आज के ही दिन उज्जैन में ये रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है और मोस्ट प्रोबेबली बन भी जाएगा, प्लानिंग की है उनने, है ना। सिर्फ हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ महाकाल मंदिर में, तो जो महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का, वहां पर लगभग 51,000 दिए वहां जलाएंगे। इसके अलावा शिप्रा नदी के तट के जो दोनों साइड्स हैं, दोनों जो बैंक्स हैं, वहां पर दिए जलाएंगे। मंगलनाथ मंदिर जो उज्जैन है वहां पर, काल भैरव मंदिर है उज्जैन है वहां पर दिए जलाएंगे। इसके अलावा जो हर सिद्धि टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स जो उज्जैन के, वहां मंदिर जलाएंगे। लोगों को बोला गया भाई अपने घरों में भी आप जलाओ, 5-5 दिए इंडिविजुअल होम्स में आप लोग जलाओ। इस प्रकार जो टोटल टारगेट है वो पूरा करने का प्रयास है। तो विच सिटी विल सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन फर्स्ट मार्च 2022 बाय लाइटिंग 21 लाख दियास उज्जैन। एक बार हम लोग इसका डिटेल थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। द एमपी गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग अ गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्रू द इवेंट टाइटल्ड शिव ज्योति अर्पणम टू बी हेल्ड एट महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन। तो ये जो इवेंट है उसका नाम है शिव ज्योति अर्पणम। ये जो इवेंट है ये भले ही महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में हो रहा है, लेकिन जो दिया जलाने का ओवरऑल 21 लाख दिया जलाने का टारगेट है वो पूरे उज्जैन में हो रहा है ना। और ये पर्टिकुलर जो कार्यक्रम है शिव ज्योति अर्पणम वो कहां हो रहा है, महाकाल मंदिर उज्जैन। तो इसमें यहीं से शुरुआत की जाएगी। लैंप्स विल बी लिट ऑन बोथ साइड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शिप्रा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो उज्जैन सिटी है वो शिप्रा नदी के ही बैंक्स पर है, तट पर है। एंड एट वेरियस अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड आल्सो इंडिविजुअल होम्स 9.45 लाख लैंप्स हैड बीन लिट एट अयोध्या ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली 2021 सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। द टारगेट इन एमपी ऑन मार्च 1 2022 इज 21 लाख। तो हमारे यहां का हमने जो टारगेट रखा 21 लाख और निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता होगी। चलो हम लोग अब अगली चीज पर आए। तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है अपना दूसरा जो करंट अफेयर है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको यहां पर ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन से बढ़ने से पहले, कि प्री प्लस मेंस में एमपी इकोनॉमी इंग्लिश मीडियम कंप्लीट एमपी प्री प्लस कंप्लीट एमपी मेंस इकोनॉमी का इंग्लिश मीडियम में कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पर। तो आप चाहें तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके उसको देख सकते हैं, उसके डेमो वीडियोज, और उसको एक्सेस कर सकते हैं जिसमें पीडीएफ प्लस वीडियो कॉन्टेंट
अवेलेबल है। इसके अलावा कंप्लीट एमपी पॉलिटी में भी वही चीज अवेलेबल है, कंप्लीट एमपी पॉलिटी प्री प्लस मेंस, जो भी चीजें आई हैं, जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकती है, ओवरऑल जो पूरा कोर्स होता है ए टू जेड कंप्लीट कवरेज एमपी पॉलिटी का। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी प्री प्लस मेंस में भी पूरी चीज ऐप में अवेलेबल है। तो आपको कोई डाउट हो, कुछ भी चीज हो, तो ऐप डाउनलोड करने से पहले तो भी आप बात कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करने के बाद भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी समस्या आने पर इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए तो हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए तीसरी चीज पर आते हैं। विच कैंपेन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो अभी रिसेंटली एक कैंपेन शुरू किया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा फरवरी में ही। मैं आपको एग्जैक्टली डेट्स का भी जिक्र करूंगा आप थोड़ी ही देर में, पहले हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है भाई, हमारे सामने चार कार्यक्रम के नाम है, हम लोग सीधे मेन चीज पर आते हैं। तो नेशनल पल्स पोलियो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, सिकल सेल या मास्क ही है जिंदगी अभियान चले। तो सिंपल है, पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं, नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन नाम से दिख रहा है एंटी पोलियो, तो ये पोलियो वैक्सीन कार्यक्रम है, तो बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान असल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, जिसमें क्या होगा कि जो पॉलिसीज हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो किसानों को दी जाएगी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है ना, तो किसानों को यहाँ पर पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। कोई क्रॉप को डैमेज होता है तो ऐसी चीज में वो परेशान ना हो, तो बैंक उनको कॉम्पनसेशन देगा, जैसे इंश्योरेंस होता है ना भाई, हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं कि कोई इनकेस कुछ बात हो जाए तो फिर बैंक आपको, जिससे भी आपने इंश्योरेंस करवाया, बैंक से या जहां से भी करवाया है कंपनी से, वो आपको पे करे। सिकल सेल कैंपेन तो एनीमिया को फाइट करने के लिए, तो एनीमिया को फाइट करने के लिए खास तौर पे वुमेन और चिल्ड्रन में एनीमिया की समस्या होती है, रेड ब्लड सेल्स की जो कमी हो जाती है उसकी समस्या होती है, तो एनीमिया से फाइट करने के लिए सिकल सेल कैंपेन, मास्क ही है जिंदगी कैंपेन कोविड के अगेंस्ट। चलो तो हम लोग इसका सही आंसर देखें। तो रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये कैंपेन जो स्टेट लेवल करके, ऐसे तो नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन पूरे इंडिया में ही, नेशनल नाम में भी दिख रहा है, लेकिन स्टेट लेवल कैंपेन अभी अभी उसको शुरू किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा शुरू किया गया है। सामने मेरे में दिख भी रहा है आपको एक बच्ची को पोलियो वैक्सीन देते हुए। ऑन 27th February 2022 सीएम स्टार्टेड दिस स्टेट लेवल कैंपेन अगेंस्ट पोलियो फ्रॉम भोपाल। तो ये भी चीज बड़ी काम की। तो ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि शुरू किया गया है कैंपेन, मगर कहां से शुरू किया गया है, तो हम बोल रहे हैं भोपाल से इसको शुरू किया गया है। 27 February 2022 को भोपाल से शुरू किया गया। इट इज अ 3-day कैंपेन वेयर 1.11 करोड़ यानी 1,11,00,000 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years विल बी गिवन पोलियो वैक्सीन। तो कब शुरू किया गया, 27 February को, कहां से, भोपाल से। कितने बच्चों को इसमें पोलियो की खुराक देने की बात है, 1.11 करोड़ को, और कितने दिन का कैंपेन है, तो 3-day कैंपेन ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, तो मार्च को भी वो कवर करता है, इसलिए वो मार्च में हमने इंक्लूड किया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ को 2 मिनट छोड़ देते हैं, एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। तो मैंने बोला क्या क्या काम का है, 1.11 करोड़, 3-day कैंपेन, 27 फरवरी और भोपाल से शुरू। अगला, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया, स्टार्टेड फ्रॉम बरलई इंदौर। तो जो बरलई तहसील इंदौर के अंदर है, वहां से इसको शुरू किया गया, 26 फरवरी 2022 से शुरू किया गया। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत किसानों को इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाएंगी, ताकि कोई क्रॉप डैमेज वगैरह हो, बारिश ज्यादा होने की वजह से, ना होने की वजह से, कभी ओले गिर जाते, कोई भी कारण से क्रॉप डैमेज होता है, फ्लड आ गए, वाटर लॉगिंग हो गया, तो आपको इंश्योरेंस के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा, आप क्लेम कर सकते हो। तो इसको 26 फरवरी 2022 से बरलई इंदौर से शुरू किया गया। इसके अलावा देखते हैं, तो हमने नेक्स्ट चीज लिखी है सिकल सेल कैंपेन, तो ये पिछले साल 15 नवंबर 2021 को भोपाल से शुरू किया गया। तो नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन भोपाल, इसके अलावा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ बरलई इंदौर, सिकल सेल कैंपेन भी भोपाल से 15 नवंबर 2021 और मास्क ही है जिंदगी अभियान ये जनवरी 2022। तो 20 जनवरी 2022 को ये भी भोपाल से। तो हमारे भोपाल से कितने हो गए, 3, एक हो गया नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन भोपाल से, एक हो गया सिकल सेल भोपाल से, मास की है जिंदगी भोपाल से। तो अभी हमने जो चार चीजें भी की हैं, वही सभी ऑलमोस्ट रिसेंटली हैं, और हम देखते हैं कि इनमें से 3 तो 2022 वाली ही हैं, है ना। मास्क ही है जिंदगी 20 जनवरी 2022। अच्छा, सबसे पहले हमने बोला किसका, नेशनल पल्स पोलियो 27 फरवरी, 26 फरवरी को क्या हुआ, तो 26 फरवरी को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, सिकल सेल 15 नवंबर 2021 और लास्ट में हमने बोला 20 जनवरी 2022 को मास्क ही है जिंदगी, जिसमें से बस मेरी पॉलिसी मेरे हाथ आपका बरलई
है, बरलई इंदौर। बरलई इंदौर अगर आपने सुना हो बरलई शुगर मिल, तो बस एक चीज़ है जो कि हमारे इंदौर से है, बाकी तीन चीज़ें हमारे भोपाल से हैं। ठीक है, चल तो ये वाली बात खत्म करते हैं, फिर इसको आगे रिवाइज भी करेंगे। पहले इससे एसोसिएटेड जो दूसरा डेटा है जो हमारे काम का है उसको हम देख लेते हैं। तो ये कुछ हम लोग स्कीम्स कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी स्कीम्स जिन पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आते ही हैं, एमपीपीएससी में भी आ चुके हैं। जैसे अब हम लोग बात करें कुछ मेजर मिशंस की, ज्यादा स्ट्रेस नहीं, ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन हम लोग कुछ ब्रॉड सेंस में बात करेंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी अक्सर ज्यादा रहती है। डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया 2015 और स्किल इंडिया मिशन, ये भी 2015, फर्क क्या, ये 1 जुलाई, ये 15 जुलाई। तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 और स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015। फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2017, इसलिए हमने देखो एक गैप रख दिया है बीच में, तो ये दोनों 2015 वालों को साथ में रखा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2017। तो 30 नवंबर 2017 अगर पूरी डेट याद नहीं हो पाती है तो ये तो याद करना ही पड़ेगा यार, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2017। आओ डिस्कस करें डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया 2015 1 जुलाई 15 जुलाई सही है। इसके अलावा हमने बोला नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2017, जल जीवन मिशन अगर आपने सुना हो बहुत प्रोमिनेंट मिशन, तो ये टारगेट रखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 2024 तक जो रूरल हाउस होल्ड है, पूरे देश के जो गांव हैं उनमें जो प्रत्येक घर है, हर घर में एक सेफ वाटर का नल का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए 2024 तक। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेहतरीन काम इस मिशन के अंतर्गत हो चुका है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश को ग्रांट भी मिल गया है जल जीवन मिशन के अंदर, तो सबसे पहला स्टेट जिसको ग्रांट मिला अच्छे काम की वजह से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। चलो डिस्कस करें डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया 2015 1 जुलाई 15 जुलाई, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 30 नवंबर 2017, फिर जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। तो 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे के दिन, वो भी 2019 में, तो इसलिए हमने गैप छोड़ा क्योंकि साल बदल गया। तो 2015 के न्यूट्रिशन मिशन 2017 और जल जीवन मिशन 2019 15 अगस्त। फिर 2020 क्या जाते हैं, 2020 कोविड वाला साल, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आपको मालूम है आत्मनिर्भरता की क्यों उस समय जरूरत थी, क्योंकि भाई पूरे बॉर्डर्स बंद हो गए, हमको खुद ही पीपी किट्स बनाना है, मास्क बनाना है, खुद ही हमारे बिजनेस को सपोर्ट करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, तो 2020 को आया, 12 मई को आया आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020। फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये भी 2020 लेकिन 15 अगस्त। तो अब ध्यान से सुनना, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन और 15 अगस्त 2020 नेक्स्ट साल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। चले तो पूरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया, तो 1 जुलाई 2015 15 जुलाई 2015, तो ये क्या है हमारा स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया। तो पहले डिजिटल इंडिया फिर स्किल इंडिया, फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 30 नवंबर 2017, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, उसके बाद हम 2020 वाले पे आए, सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो हमने देखा कि 12 मई 2020 और NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020, तो ये 2020 वाले हो गए। अब हम आ जाते हैं 4 2021 वाले मिशन देखें। चलो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस इनका इसलिए है क्योंकि या तो ये बहुत बहुत मेन वाले हैं जो पुराने भी हों, या तो फिर रीसेंट वाले, प्लस 2022 के भी मैंने आपको अभी 3 करवा दी, उसको हम लोग एक बार फिर रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट करंट पर चलेंगे। पहले इसको हम करें, एक हमने पढ़ा जल जीवन, अब हम पढ़ रहे हैं जल शक्ति। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021, तो ये 2021 वाले अब हमने शुरू किए हैं। तो कैच द रेन, तो क्या है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2021 22 मार्च। सांस अभियान 5 फरवरी 2021 5 फरवरी 2021, एक सेपरेट वीडियो में हम भविष्य में डिस्कस करेंगे अलग अलग स्कीम्स को, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 1 मार्च से संबंधित करंट अफेयर, इसलिए इस वीडियो की एक सीमित एक 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 उसका लिमिटेशन है ना, हम लोग उसको दूसरे टॉपिक्स में नहीं ले जा सकते, नहीं तो हम लोग को एक एक अभियान देखना चाहिए। तो वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में भविष्य में वेरियस स्कीम्स ऑफ MP गवर्नमेंट देखेंगे। अभी के लिए पहले डेट्स पर ध्यान देना है। तो जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021, सांस अभियान 5 फरवरी 2021, पंख अभियान 24 जनवरी 2021। तो आओ, तो सबसे पहले हमने बोला पंख अभियान कब, 24 जनवरी 2021, सांस अभियान अगले महीने 5 फरवरी 2021, और जल शक्ति अभियान अगले महीने 22 मार्च 2021। तो सबसे पहले पंख, फिर सांस, फिर जल शक्ति। पंख, सांस, जल शक्ति, तीनों 2021 के, और जनवरी फरवरी मार्च। तो पंख, सांस और जल शक्ति,
इसके अलावा डेंगू से जंग जनता के संग, तो ये शुरू किया गया 16 सितंबर 2021 को, तो ये भी 2021 का प्रोग्राम। तो डेंगू का जो पूरा माहौल बनता है वो हम देखते हैं रेनी सीजन और उसके बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है, कि रेनी सीजन में पानी गिर रहा है उसके बाद क्या है इकट्ठा होकर रह जाता है, तो सितंबर अगस्त सितंबर ये वो टाइम होता है जब डेंगू बहुत बड़े स्तर पर फैलने के चांस होते हैं। तो इसलिए 16 सितंबर 2021 को डेंगू से जंग जनता के संग। चल अब एक बार हम लोग पूरा ये डिस्कस करें जो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़ा, फिर हम लोग लास्ट में एक पूरा डिस्कशन करेंगे पूरा ए टू जेड, है ना। चलें, सबसे पहले हमने बोला विच कैंपेन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो रिसेंटली 27 फरवरी को क्या लॉन्च किया गया, नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन का स्टेट लेवल जो कार्यक्रम है लॉन्च किया गया। 3 दिनों का कैंपेन, 1.11 करोड़ लोगों को, यहाँ पर जो बच्चे हैं 5 ईयर्स की एज के अंदर, 1.11 करोड़ 5 ईयर्स से कम एज के बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022, तो ये 2022 वाले एक, ये 27 फरवरी, ये 26 फरवरी बरले इंदौर। सिकल सेल कैंपेन 15 नवंबर 2021 भोपाल से शुरू हुआ। मास्क ही है जिंदगी 20 जनवरी 2022, ये भी भोपाल से शुरू हुआ। तो हमने क्या देखा कि भोपाल से शुरू वाले कौन से, नेशनल पल्स पोलियो, इसके अलावा हमने देखा सिकल सेल और मास्क ही है जिंदगी, इंदौर से शुरू होने वाला मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। चल तो ये भी हमने डिस्कशन किया, एक बार फाइनल डिस्कशन अब इन पॉलिसीज का करें। तो डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया हमने देख लिया 15 जुलाई 2015, नेशनल न्यूट्रिशन 30 नवंबर 2017, जल जीवन 15 अगस्त 2019, आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तो 15 अगस्त 2020, इसके अलावा जल शक्ति अभियान कैच द रेन तो ये 22 मार्च। सबसे पहले इसको ऑर्डर में पढ़े तो पंख अभियान 24 जनवरी 2021, सांस अभियान 5 फरवरी, तो जनवरी फरवरी और मार्च में जल शक्ति अभियान कैच द रेन, और डेंगू से जंग जनता के संग तो ये सितंबर 2021 का कार्यक्रम। आओ तो ये भी हमने अच्छे से देख लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। चलो तो नेक्स्ट चीज अब हमारी क्या है, रिसेंटली मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव हैज अनाउंस टू सेट अप अ डिजिटल यूनिवर्सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो किस जिले में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर है मोहन यादव, उनके द्वारा रखा गया। तो सबसे पहली बात इसका आंसर है उज्जैन। अब इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर, केरला। और हमने क्या बोला कि इंडिया की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी, तो दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो उज्जैन। ध्यान से सुनना, मोहन यादव साहब ने 2 अनाउंसमेंट किए, एक तो उन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां खोल रहे हैं, उज्जैन में खोल रहे हैं, पहली कहां पर है, केरला, है ना। तो एक अनाउंसमेंट उन्होंने क्या किया कि इंडिया की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी उज्जैन में। दूसरा अनाउंसमेंट उन्होंने ये भी किया कि हम एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भोपाल में खोलेंगे। तो 2 अनाउंसमेंट हैं, तो दोनों पे मैं चाहता क्वेश्चन बना देता, मगर मैंने एक को क्वेश्चन बनाया और एक को हमने रख दिया यहां पर। अच्छे से सुनना, क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां है, तो केरला। इंडिया की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां है, तो कहां है, उज्जैन में है, है ना। और एक और अनाउंसमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी तो भोपाल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया में पहला ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बनने को आया है, बनी रहा है वो, और वो सिंगापुर की मदद से बन रहा है। सिंगापुर की मदद से पहला ग्लोबल स्किल पार्क इंडिया का बनाया जा रहा है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया का पहला ग्लोबल स्किल पार्क जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हो, बहुत हाई क्वालिटी यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, हाई वैल्यू जॉब्स जनरेट होंगी, ये भोपाल में और विद दी हेल्प ऑफ सिंगापुर। इट हैज़ बीन रिसेंटली रीनेम्ड आफ्टर संत रविदास। तो संत रविदास आपको याद होगा, संत रविदास जयंती 16 फरवरी को संत रविदास जयंती थी, और संत रविदास जो कि मिडिवल इंडिया के भक्ति मूवमेंट के एक बड़े संत, कबीर के कंटेम्प्रेरी रविदास साहब को रैदास भी बोला जाता था, है ना, रविदास या रैदास, ये कबीर के कंटेम्प्रेरी हैं और ये भक्ति सेंट हैं, उनके ही नाम पे भोपाल का जो ग्लोबल स्किल पार्क है उसकी रीनेमिंग की गई है, तो संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ठीक है, कहां पर, भोपाल। चलो फिर से रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन आएगा इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बताओ, केरला बताएंगे, इंडिया की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी बताओ, उज्जैन बताएंगे। और अब हम बात करते हैं कि एक और अनाउंसमेंट जो मोहन यादव साहब ने किया कि
स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी तो भोपाल में एस्टेब्लिश की जाएगी, ग्लोबल स्किल पार्क। तो अभी तक हम लोग डिजिटल बात कर रहे थे, वो अलग है। जब हम लोग स्किल की बात कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भोपाल, ग्लोबल स्किल पार्क भी भोपाल। तो ग्लोबल स्किल पार्क किसके मदद से? सिंगापुर के मदद से। नया नाम तो संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। चलो अगला। इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी विप्रो के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है वो बेंगलोर में है और दूसरी भोपाल में खुल रही। तो अजीम प्रेमजी एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट माने जाते हैं, बहुत बड़े दानी माने जाते हैं और इनकी यूनिवर्सिटी भोपाल में खुलना बहुत बड़ी बात है। तो भोपाल में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी प्रपोज है, तो भोपाल देख रहे हो कहां जा रहा है। फिर धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी, ये भी भोपाल में। चले तो वापस सब रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या क्या चीजों का जिक्र किया है, बिल्कुल अच्छे से सुनना है, खत्म करते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी बोले केरला बताओगे, दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी बोले और एमपी की पहली हो गई, इंडिया की दूसरी उज्जैन बताओगे, फिर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भोपाल बताओगे, ग्लोबल स्किल पार्क पूछे भोपाल बताओगे, नया नाम संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क किसकी मदद से? सिंगापुर की मदद से। इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल बताओगे और फिर हमने लास्ट में देखा धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी भोपाल बताओगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात करते हैं। एक सीएम राइज स्कीम है। सीएम राइज स्कीम हम लोग यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर का डिस्कशन हो रहा है। सीएम राइज स्कीम में क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो वो होते हैं स्कूल्स होते हैं उनकी हालत अच्छी नहीं होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है सीएम राइज स्कीम, जिसके अंतर्गत 9,200 स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। किसके जैसा बनाएंगे? सीबीएसई और आईसीएसई। तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, आईसीएसई इंडियन सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इनका जो क्वालिटी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस क्वालिटी ऑफ सिलेबस, उसी हिसाब से गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को भी अपग्रेड करने की योजना सीएम राइज स्कीम है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात है? 9,200। ठीक है, 9,200। चलो, तो अब हमने इस चीज को भी डिस्कस किया। आइए अब हम लोग अपने इसके अंतर्गत जो दूसरे और भी फैक्ट्स एग्जाम में एसोसिएटेड वाले हैं वो भी देखें। देखिए, प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब हम करंट अफेयर पढ़ें तो करंट अफेयर को सिर्फ उसी क्वेश्चन तक सीमित ना रखें, उसके आसपास की चीजों का भी जिक्र करें जहां से क्वेश्चन आ सकता है। चल, तो एशिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा आपको लगेगा अरे अरे इतना सारा हो गया करंट अफेयर में, लेकिन भाई करंट अफेयर का दायरा कभी करंट अफेयर तक नहीं रहता। कोई एक पर्टिकुलर चीज करंट अफेयर वाली है तो उसके आसपास की चीज भी आ सकती है, और वैसे भी एमपीपीएससी अब यूपीएससी का लेवल हर साल टच करने का प्रयास कर रहा है। वैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपको दे सकता है वो कि भाई पर्टिकुलर हमने एक चीज डाल दी कि ठीक है हमने एक यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जो करंट की है, लेकिन आप दूसरी स्टेटमेंट और स्टैटिक वाली भी डाल दी या कुछ और बात जो डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं थी वो भी डाल दी। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जरूरी है कि आपको उसके इर्द गिर्द की भी नॉलेज हो। तो एशिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, ये एशिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी, भूल जाओ एमपी, भूल जाओ इंडिया, एशिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अच्छा, एमपी का पहला ट्राइबल मेडिकल कॉलेज कहां पर? खंडवा। तो मध्य प्रदेश का पहला ट्राइबल लेकिन मेडिकल कॉलेज, ट्राइबल मेडिकल कॉलेज तो आदिवासी लेकिन चिकित्सा, तो ट्राइबल मेडिकल कॉलेज खंडवा। एमपीज फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो ये तो मुझे उम्मीद है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जबलपुर। तो एमपी की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जबलपुर में, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जबलपुर। ठीक है, चलो, एमपी का पहला हिंदी यूनिवर्सिटी, तो सही व्यक्ति का नाम चुना है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो बहुत बड़े हिंदी के पोएट भी हैं, पीएम तो हैं लेकिन पीएम तो थे लेकिन बहुत बड़े हिंदी के पोएट भी। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहां पर? भोपाल में। चलो पहले रिवाइज करें, तो एशिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी तुमसे पूछे तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी अमरकंटक, पहला ट्राइबल मेडिकल कॉलेज पूछे तो खंडवा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछे तो जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर, और अगर वो पूछे हिंदी यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहां पर? भोपाल। एमपी का पहला संस्कृत यूनिवर्सिटी तो पनिनी संस्कृत यूनिवर्सिटी उज्जैन। सही है भाई, संस्कृत है तो आप पनिनी को चुने, पनिनी वही जिन्होंने अष्ट अध्यायी जो ग्रामर पर हिंदी व्याकरण पर, हिंदी कह रहा हूं सॉरी, जो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई किताब है ना, तो हम लोग उसको मानते हैं, बहुत बड़ी किताब, बहुत वेदों को भी समझने में मदद करती, तो पनिनी, पनिनी द्वारा लिखी गई अष्ट अध्यायी। तो पनिनी संस्कृत यूनिवर्सिटी एमपी की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पर? उज्जैन में। सब रिवाइज करेंगे एंड में। फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, सही है भाई, कहां पे रखोगे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी? जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कोई बुद्धिज्म का सिंबल हो, तो सांची स्तूप है, तो इसके इसलिए सांची रायसेन जिले में है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट
अगर आप में से कोई बच्चा सांची स्तूप विजिट किया हो तो सांची स्तूप से बिल्कुल पास में ही वहां पर हम देखते हैं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, एमपीज फर्स्ट एंड ओनली ओपन यूनिवर्सिटी, तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज है, तो एमपी की भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल की भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ये मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है। यूनेस्को, अच्छा देश की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी तो आपने सुना होगा इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यूनेस्को हैज कॉल्ड इट अ मेगा यूनिवर्सिटी, तो जो भोज ओपन यूनिवर्सिटी है यूनेस्को ने उसको मेगा यूनिवर्सिटी कहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो अब आया नहीं है, लेकिन आ सकता है कि भाई किसको यूनेस्को ने ऐसा फ्रेज उसके लिए इस्तेमाल किया मेगा यूनिवर्सिटी, तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एमपी की पहली और एकमात्र आर्ट और म्यूजिक यूनिवर्सिटी मान सिंह तोमर आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी ग्वालियर। चलो तो हम लोग एक बार इसको पूरा खत्म करेंगे ना, फिर हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे, परेशान ना हो, बस लास्ट एक और हमको पॉइंट इसमें देखना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम पढ़ें तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ें, वरना ना पढ़ें। पढ़ो तो अच्छा पढ़ो। चलो आप एमपीज फर्स्ट एंड ओनली जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी। चल तो अब हम लोग इसका पूरा डिस्कशन अब एक बार फिर करते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, बिल्कुल शुरू से हम लोग उसको रटेंगे, याद करेंगे। हमारे शिक्षक, हमारे प्रेरणा स्रोत जो बुक है वो किसने लॉन्च की, तो हमने बोला कि एस धनराजू साहब ने उसको लॉन्च किया, दीक्षा पोर्टल पर अवेलेबल, पोर्टल 2017 में आया, फुल फॉर्म दीक्षा का, डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, के से नॉलेज और एस से शेयरिंग। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और सही है, नॉलेज शेयरिंग हो रही है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। फिर और किताबों की बात करी तो वायरस से वैक्सीन तक आदित्य श्रीवास्तव, 1857 की क्रांति और नीमच, तो सुरेंद्र शक्तावत। फिर हमने बोला अनकहा लखनऊ लालजी टंडन, भारती की शताब्दी कमलनाथ, एमपी की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान, प्रतिबिंब प्रयास आनंदी बेन पटेल, मातोश्री सुमित्रा महाजन, नर्मदा परिक्रमा भारती ठाकुर, एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे, माधव राव सप्रे जर्नलिज्म म्यूजियम भोपाल। तो कंफ्यूज मत होना, अभी हमने यूनिवर्सिटी का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो था माखनलाल चतुर्वेदी जर्नलिज्म म्यूजियम भोपाल में है वो, और वो एक अलग बात है, है ना, वो जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है, सॉरी वो जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी, यहां पर हम लोग म्यूजियम की बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी है, तो वो एकमात्र जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है। और ये क्या है, ये म्यूजियम है, ये भी भोपाल में। फिर भावी रक्षक देश के, तो ये हमने बोला बाल कवि बैरागी, जिनका ओरिजिनल नाम नंदराम दास बैरागी। फिर हमने बोला कौन सी सिटी 21 लाख दिया, तो हमने बोला उज्जैन। तो 1 मार्च 2022 को जब शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर पे, तो वहां पर हम देख रहे हैं 21 लाख दिए ओवरऑल उज्जैन में, जिसमें से 51,000 तो केवल महाकाल मंदिर में, बाकी 21 लाख दिए हम देखते हैं पूरे उज्जैन में जलाने का प्रयास। इसके अलावा कौन सा कैंपेन शुरू किया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, तो हमने बोला नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन। इसके अंतर इसको हमने 27 फरवरी 2022 को भोपाल से इन्होंने शुरू किया, 3 डे कैंपेन है, 1.11 करोड़ चिल्ड्रन को उसमें डोज दिया जाएगा। फिर हमने बोला मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, 26 फरवरी 2022 बरले इंदौर, सिकल सेल कैंपेन 15 नवंबर 2021 भोपाल, और मास्क ही है जिंदगी 20 जनवरी 2022 ये भी भोपाल। चलो इसके अलावा हमने बोला डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन तो ये 2017 का 30 नवंबर, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020, और फिर हम देखते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन और नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। फिर हम 2021 वालों पे आए, तो सबसे पहले पंख अभियान जनवरी 2021, सांस अभियान फरवरी 2021, जल शक्ति अभियान मार्च 2021, और डेंगू से जंग जनता के संग 16 सितंबर 2021। इसके अलावा हमने बात किया कि भाई कौन सा अब डिजिटल यूनिवर्सिटी एमपी में सेटअप किया जा रहा है, तो हमने बोला कहां सेटअप किया जा रहा है, हमने बोला उज्जैन में सेटअप किया जा रहा है, लेकिन इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला में। अगर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बोलेगा तो भोपाल करेंगे, ग्लोबल स्किल पार्क बोलेगा तो भी भोपाल करेंगे, और ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर की मदद से, नया नाम इसका है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। इसके अलावा अजीम प्रेमजी धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी भोपाल, फिर 9,200 स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं सीएम राइज में, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से पहले कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, तो सबसे पहले हमने बोला एशिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो हमने नाम दिया इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। पहला ट्राइबल मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो खंडवा में। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। फर्स्ट हिंदी यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी भोपाल। संस्कृत यूनिवर्सिटी तो पानिनी उज्जैन, है ना। एमपीज फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सांची रायसेन। फर्स्ट एंड ओनली ओपन यूनिवर्सिटी भोज ओपन, यूनेस्को ने इसको मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। फिर एमपीज फर्स्ट एंड ओनली आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी, तो मान सिंह तोमर कहाँ, ग्वालियर। इसके अलावा हमने बोला एमपी का पहला और एकमात्र जो जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है माखनलाल चतुर्वेदी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी। चल
भोपाल में है वो भी। अगली बात करते हैं, अगली बात पर अब हम लोग जल्दी से शिफ्ट करते हैं, अगली बात को जल्दी से करेंगे, ज़्यादा इसको खींचना भी नहीं, बस अब हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी हैं, बस दो और क्वेश्चन हमको करने हैं और उसी के साथ हमारा 1 मार्च 2022 का जो करंट अफेयर्स का जो हमने सीरीज शुरू किया है जगीरा, तो जगीरा सीरीज के अंतर्गत हम लोग 1 मार्च को वाइंड अप कर देंगे। इन द यूनियन बजट 2022-23 फ्रॉम विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विल बी रन कनेक्टिंग दिल्ली, तो दिल्ली को कनेक्ट करते हो, मतलब ऐसी कौन सी सिटी है जो जहां पे हम देखते हैं कि ट्रेन रन की जाएगी दिल्ली तक, तो दिल्ली एक इसका स्टेशन रहेगा और दूसरी एमपी की वो कौन सी सिटी है, तो एमपी की सिटी वंदे भारत ट्रेन, तो आपको मालूम होगा वंदे भारत जिसका पहले नाम ट्रेन 18 हुआ करता था, फिर इसका नाम चेंज करके वंदे भारत रखा गया, तो ये फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है अभी तक की इंडिया की। हालांकि इसकी जो टॉप स्पीड है जिसमें ये जा सकता है वो है 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सेफ्टी ऑफ ट्रैक्स को, सेफ्टी ऑफ ट्रेन को देखते हुए इसको जो इसका ऑपरेशनल स्पीड रखा गया है 160, चलती तो असल में इस पर भी नहीं है। अभी दो रूट है जहां पर वंदे भारत चलाई जाती है, जैसे एक है वाराणसी दिल्ली और एक है दिल्ली टू कटरा, तो वाराणसी दिल्ली, दिल्ली कटरा, और चलाई जाती है 130-140 स्पीड पे, है ना, लेकिन मैक्सिमम कितना है 180 जा सकता है। तो भोपाल से दिल्ली के बीच दरअसल जो यूनियन बजट है, जो यूनियन बजट है जो निर्मला सीतारमण जी ने, सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, इस निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया यूनियन बजट 2022-23, उसमें 400 वंदे भारत ट्रेन्स को चलाने की बात की गई है, जिसमें से भोपाल दिल्ली एक रूट चुना गया, बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए, वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी, वाह। चलो, इन द यूनियन बजट 2022-23 400 वंदे भारत ट्रेन्स वुड बी रन इन इंडिया, वन रूट वुड बी भोपाल दिल्ली, ध्यान से सुनना, ये वंदे भारत है। अब इससे भी फास्टेस्ट एक ट्रेन है, आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन, तो अभी इंडिया में हमने बोला कि वंदे भारत ठीक है फास्टेस्ट, पहले एक चलती थी गतिमान, मतलब गतिमान एक्सप्रेस अभी भी है, वो फास्टेस्ट का दर्जा था, लेकिन वंदे भारत आने की वजह से अब वो सेकंड हो गया, है ना, वंदे भारत की वजह से वो गतिमान सेकंड हो गया। अब बुलेट ट्रेन जो है, जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलाई जा रही है, जो चलाई जाएगी, समय में भी तो काम उसका चल ही रहा है, बीच में काफी डिले हो गया था, अभी वापस उसका काम फास्ट फॉरवर्ड हुआ है, कुछ समय में जब वो बन जाएगी बुलेट ट्रेन तब वो इंडिया की फास्टेस्ट हो जाएगी, और कहां से कहां, तो मुंबई, मुंबई और अहमदाबाद को कनेक्ट करते हुए, तो मुंबई अहमदाबाद को कनेक्ट करते हुए बुलेट ट्रेन, आइए इधर ध्यान दें, अब इसको भूल जाओ बुलेट ट्रेन को, अभी की बात करते हैं। तो 400 वंदे भारत ट्रेन्स को इंडिया में चलाया जाएगा, यूनियन बजट 2022-23 की घोषणा, एक रूट इसमें भोपाल दिल्ली होगा। द वंदे भारत एक्सप्रेस आल्सो नोन एज ट्रेन 18 इज एन इंडियन सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन व्हिच वाज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये आ सकता है किसने इसको डिजाइन मैन्युफैक्चर किया। हालांकि वंदे भारत अपने आप में अब करंट में नहीं रहा, पास्ट में क्वेश्चन आ चुके, लेकिन क्योंकि एमपी के रेफरेंस में फिर से इस पर क्वेश्चन आया है, अभी जो करंट में हमने देखा भोपाल दिल्ली, तो इसलिए ये चीजें भी जरूरी हो जाएंगी, किसने बनाया, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, वो भी पेरम्बूर चेन्नई वाला, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई ने इसके कोचेस को मैन्युफैक्चर किया, 18 महीने का समय लिया मैन्युफैक्चर करने में, जब पहले किया था 400, अब वंदे भारत ट्रेन्स बनाई जाएंगी, ठीक है, तो ICF पेरम्बूर चेन्नई, इसका एक नाम ट्रेन 18, इसका एक नाम ट्रेन 18 आओ, विद अ टॉप स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, तो टॉप स्पीड कितना है 180 किलोमीटर पर आवर, दिस सुपर फास्ट ट्रेन इज फंक्शन टू रन एट 160 किलोमीटर पर आवर ऑन द ट्रेन ट्रैक्स फॉर सेफ्टी पर्पस, तो मैक्सिमम स्पीड है 180, ट्रेन 18 पहले का नाम, अभी दो रूट पर चल रही, लेकिन ये काम की बात नहीं कि कितने रूट पर चल रही, किसने बनाया ICF पेरम्बूर चेन्नई, और कहां से कहां तक, तो भोपाल से दिल्ली नया रूट जो कनेक्ट करेगी इस साल, हमें उम्मीद है, बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ और बातें करते हैं, रेलवे से संबंधित जो बातें हमारी एग्जाम के जो काम की बातें हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, रेल कोच रेस्टोरेंट AC ट्रेन कोच कन्वर्टेड इनटू रेस्टोरेंट, तो रेल कोच रेस्टोरेंट पर करंट अफेयर में आपने सुना होगा, पहले मैं बता दूं रेल कोच रेस्टोरेंट क्या होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनें चलने लगती हैं ना, ये रेल कोच का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है रेलवे के बहुत सारे ऐसे जो डब्बे होते हैं अब वो फेंक देते हैं काम के नहीं खराब हो जाएंगे, तो कई लोग उसको ले सकते हैं, तो लेने के बाद आप रेल कोच रेस्टोरेंट उसको बना सकते हो, तो परमिशन लगती है, ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, जैसे भोपाल में शान ए भोपाल रेस्टोरेंट है, तो वहां पर
रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है, तो एक ट्रेन का डब्बा है बकायदा, आप उसके अंदर जाओ, वहाँ पर बैठ के खाना खाओ, ठीक है। आसपास भी ऐसा ट्रेन की फीलिंग दिए, चल नहीं रही है ना, लेकिन ऐसे ट्रेन का आपको पूरा फीलिंग आएगा, सीट्स वैसे ही हैं, बीच में चलने का कॉरिडोर जो पैसेज होता है ना जैसे ट्रेन में होता है वैसा बना हुआ है, तो उस प्रकार की फीलिंग आती है ट्रेन कोच रेस्टोरेंट में। तो हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रेल कोच रेस्टोरेंट कौन सा है, तो दुनिया का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है शान ए भोपाल, लेकिन ये एमपी टूरिज्म के द्वारा चलाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसका नाम है शान ए भोपाल, बिल्ट इनसाइड अ रेनोवेटेड ब्रॉड गेज रेलवे कोच रन बाय एमपी टूरिज्म गवर्नमेंट। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और हम देखते हैं दुनिया का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जबकि अभी हम जो ऊपर बात करेंगे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित देश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है आसनसोल वेस्ट बंगाल। सुनना अच्छे से, देखो अगर आपसे पूछे भाई इंडिया के रेफरेंस में हमको बताना है, इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में हमको बताना है, तो क्या है पहला आसनसोल, आसनसोल वेस्ट बंगाल, और सेकंड मुंबई में, थर्ड नागपुर में, फोर्थ जबलपुर में, जो कि 14th फरवरी को ही शुरू किया गया। तो 14th फरवरी पिछले महीने की बात हो रही है, वैलेंटाइन डे के दिन शुरू किया गया। ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं मोदी जी, तो 14th फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन, 14th फरवरी को जबलपुर में इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित चौथा रेल कोच रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश किया गया जबलपुर में, जबकि मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा शान ए भोपाल कई सालों से है, ये तो कई सालों से मौजूद है शान ए भोपाल। चल तो ये हमारी पूरी बात हो गई है ना, चल अगली बात करते हैं। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट फीमेल रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी, करंट रेल मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव साहब, और पहले जो बनी तो हमने देखा फीमेल, फर्स्ट फीमेल तो ममता बनर्जी। फीमेल्स पर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना, और करंट अश्विनी वैष्णव। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन ट्रेन, तो इंडिया की पहली ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस, तो जो इसमें एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, कम एनर्जी लगे इसको चलाने में, ऑपरेशंस में कम एनर्जी लगे, जो मटेरियल्स इस्तेमाल करें वो सही हो, जो फ्यूल्स हो वो एनर्जी एफिशिएंट हो, तो इंडियाज फर्स्ट ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस। चलो रिवाइज करते हैं, रेल कोच रेस्टोरेंट होता क्या है, एसी ट्रेन कोच को आप रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दो। इंडिया का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आसनसोल वेस्ट बंगाल, सेकेंड मुंबई, थर्ड नागपुर, फोर्थ जबलपुर। अच्छा तो एमपी में ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने प्रपोज्ड हैं, 5 रेल कोच रेस्टोरेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड। तो 5 रेल कोच रेस्टोरेंट प्रपोज किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एमपी में बनाने हैं, और दुनिया का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट वैसे देखा जाए अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा दें तो शान ए भोपाल, फर्स्ट फीमेल रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी, इंडिया की पहली ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस। अच्छा मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल स्टेशन जबलपुर, तो मदन महल स्टेशन जो जबलपुर में है वो एमपी का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है। चलो नेक्स्ट बात पर आते हैं, अब आओ एमपी का लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल, सभी बच्चे बिल्कुल होश में रहना, एमपी का लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल अब हम देख रहे हैं, तो एमपी का, अच्छा एक बार मैं आपको ये जो रेल कोच रेस्टोरेंट है इसका एक इमेज भी हमारे पास, एक बार ये इमेज भी आप लोग देख लो तो आपको आइडिया पता चल जाए कि मैं क्या कह रहा था। बिल्कुल एक रेल कोच ही आप देख ही रहे हो है ना, ये रेल कोच है, बीच में पैसेज है, दोनों साइड बैठने की जगह, साइड में यहाँ पर खिड़की लगी है, तो खिड़की में कई बार एक वो लगा देते हैं टीवी, तो वो क्या होता है वो चलती रहती है, तो ऐसा लगता है कि रास्ता जैसे होता है ना ट्रेन चल रही तो रास्ता पीछे जा रहा है हमको ऐसा लगता है, तो हमको सच में ऐसी फीलिंग आती है। जो शान ए भोपाल है उसमें पहले तो ऐसे भी फीचर्स थे कि बीच बीच में आवाज भी आती थी हॉर्न्स की है ना, तो ऐसा भी पहले होता था, लेकिन अब वो व्यवस्था उन्होंने बंद कर दी है। खैर ठीक है कोई नहीं, तो ये आपका रेल कोच रेस्टोरेंट। आओ तो मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल स्टेशन जबलपुर, एमपी का लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल रीवा सीधी को कनेक्ट करते हुए 3.3 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट रेल टनल जो मध्य प्रदेश का है, रीवा सीधी को कनेक्ट करते हुए 3.3 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक है। ये सब पहले की बात है इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा नहीं जा रहे, सब पहले की बातें हैं। तो सर हम लोग अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बता दिया पहले की, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत साल हो गए, तो ये है ऐसा तुरंत करंट वाला अफेयर नहीं है, तुरंत करंट अफेयर नहीं कि भाई बिल्कुल एक दो दिन पुराना हो, लेकिन अभी भी आप इसको लास्ट ईयर से कनेक्ट करो तो पढ़ोगे आप वैसे ही, और रेल कोच तो बिल्कुल रिसेंट ही है जो हमने जबलपुर देखा फोर्थ है ना। चलो इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन जहां पर सैनिटरी पैड डिस्पेंसर लगा हुआ है मशीन, तो भोपाल स्टेशन। तो इंडिया का
पहला रेलवे स्टेशन जहां पर सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन लगी हुई है भोपाल, फिर मध्य प्रदेश की नई रेल कोच फैक्ट्री, पुरानी रेल कोच फैक्ट्री अगर आपने सुना हो निषादपुरा भोपाल में, लेकिन नई कोच फैक्ट्री झाबुआ में लग रही है, तो नई कोच फैक्ट्री झाबुआ में आओ। तो इस पूरी चीज को जिक्र फिर से करते हैं, हमने कहानी कहां से शुरू की, हमने बोला जो यूनियन बजट 2022-23 का है उसमें कौन सी सिटी है मध्य प्रदेश की जहां से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी और उसको कनेक्ट किया जाएगा, किससे कनेक्ट किया जाएगा, दिल्ली से, तो भोपाल दिल्ली ये रूट है। इसके अलावा हमने बोला कि 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जानी है, ट्रेन 18 इसका ओरिजिनल नाम, और हमने देखा मैक्सिमम स्पीड टॉप स्पीड 180 लेकिन चलाया जाता है इससे कम पे, और ICF जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई उसने इसको बनाया। इसके अलावा हमने देखा दूसरे कुछ क्वेश्चंस, तो हमने सबसे पहले बोला कि रेल कोच रेस्टोरेंट की बात करें तो इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है तो वो कहां पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, तो हमने बोला सबसे पहला आसनसोल वेस्ट बंगाल, सेकंड मुंबई, थर्ड नागपुर और फोर्थ जबलपुर। और हमने बोला अगर एमपी गवर्नमेंट की बात करें तो कहां, शान ए भोपाल। इसके अलावा हमने दूसरी चीजों का जिक्र किया कि पहली फीमेल रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी, इसके अलावा पहली ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस, पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल स्टेशन जबलपुर, लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल तो रीवा सीधी 3.3 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन जिसमें सैनिटरी पैड डिस्पेंसर लगे हों तो भोपाल, और इसके अलावा एमपी का नया रेल कोच फैक्ट्री झाबुआ में, पहली वाली ओल्ड वाली का निषादपुरा। चल तो हम लोग करंट अफेयर सीरीज का अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। तो नर्मदा साहित्य मंथन विल बी सेलिब्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नर्मदा साहित्य मंथन, साहित्य मतलब लिटरेचर, तो नर्मदा साहित्य मंथन, मंथन मतलब डिस्कशन विचार विमर्श, तो नर्मदा साहित्य मंथन विल बी सेलिब्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो इसका सही जवाब है महेश्वर। तो आप देख सकते हो नर्मदा साहित्य मंथन विल बी सेलिब्रेटेड एट महेश्वर लिखा हुआ है। नर्मदा साहित्य मंथन टू बी सेलिब्रेटेड इन महेश्वर ऑन 4-5-6 मार्च वेयर गैदरिंग ऑफ वेटरन्स ऑफ लिटरेचर वुड टेक प्लेस, तो अलग अलग मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के बाहर की जो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में बड़ी पर्सनैलिटीज, उनको इन्वाइट करके डिस्कशन, तो यही है आपका नर्मदा साहित्य मंथन महेश्वर। नर्मदा जयंती खुद कहां मनाई जाती है, अभी दूसरी बात होगी। देखो नर्मदा साहित्य मंथन महेश्वर समझ में आ गया, ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर सिटी बसी हुई है और हम देखते हैं कि यहां पर नर्मदा साहित्य मंथन, लेकिन एक है नर्मदा जयंती, तो मैं आपको बता दूं नर्मदा जयंती 7-8 फरवरी 2022 को मनाई गई, और ये कहां मनाई गई, सेठानी घाट, सेठानी घाट कहां पर, होशंगाबाद, होशंगाबाद जिसका नया नाम नर्मदापुरम, तो होशंगाबाद जिसका नया नाम नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिसका नया नाम नर्मदापुरम, यहां पर 7-8 फरवरी को हमने देखा नर्मदा जयंती मनाई गई। ये वही समय है जब होशंगाबाद का नाम ऑफिशियली चेंज हो गया है नर्मदापुरम। क्या होता है ना कि जब नाम चेंज करना है तो जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब ने पिछले साल इस चीज की घोषणा की थी कि हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं होशंगाबाद का नर्मदापुरम, लेकिन सेंटर से अप्रूवल अब मिल गया और अब हमने देखा कि 7-8 फरवरी को ये अप्रूवल मिला है और आपको फाइनली अब ऑफिशियली नाम चेंज हो गया। नर्मदा जयंती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 7-8 फरवरी 2022 ऑन सेठानी घाट होशंगाबाद, ठीक है, तो यहीं पर इसको सेलिब्रेट किया और ये इसी टाइम पे नर्मदापुरम नाम भी आ गया है, है ना, कई कई जगह हमको नाम मिलता है 7 फरवरी को आ गया, तो 7 फरवरी को, कई कई जगह लिखा हुआ है 8 फरवरी को, जो भी है 7 या 8, है ना, कई जगह 7 फरवरी ऑफिशियली लिखा हुआ है कि नेम रीनेम कर दिया गया होशंगाबाद का नर्मदापुरम, तो आप 7 मान लो। नर्मदा जयंती इटसेल्फ वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7-8 फरवरी 2022 ऑन सेठानी घाट होशंगाबाद। चल तो यहां पर हमने इस चीज का भी जिक्र किया है, अब एक बार फाइनली हम लोग अपने पूरे लेक्चर को रिवाइज करें, बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे, तेजी से रिवीजन करेंगे, पूरी चीज याद रख के जाएंगे, फिर पीडीएफ से फर्दर आप और उस पर काम करना। तो हमारे शिक्षक, हमारे प्रेरणा स्रोत जो किताब है उसको किसने लॉन्च किया, तो हमने देखा एस धनराजू ने लॉन्च किया, दीक्षा पोर्टल पर अवेलेबल है, पोर्टल 2017 में आया, टीचर स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म है, वायरस से वैक्सीन तक आदित्य श्रीवास्तव, 1857 की क्रांति और नीमच सुरेंद्र शक्ता। फिर हमने देखा कि ये कहानी जो है नीमत से शुरू हुआ, है ना, 3 जून 1857 को एमपी से 1857 का रिवोल्ट, अनकहा लखनऊ, लालजी टंडन, भारती की शताब्दी, कमलनाथ, एमपी की विकास गाथा, शिवराज सिंह चौहान साहब, प्रतिबिंब प्रयास, आनंदीबेन पटेल, मातोश्री, सुमित्रा महाजन, नर्मदा परिक्रमा, भारती ठाकुर, फिर एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे म्यूजियम कहां, भोपाल में जर्नलिज्म म्यूजियम में, भावी रक्षक देश के बाल कवि बैरागी, रियल नेम नंदराम दास। फिर हमने बोला कौन सी सिटी ऐसी भाई जहां पे लाइटिंग 21 लाख दिया का रिकॉर्ड बनाना है, 21 लाख दिया को जलाने का, तो हमने बोल दिया
कि ठीक है भाई इसका सही जवाब है उज्जैन। और शिव ज्योति अर्पणम प्रोग्राम जो होगा उज्जैन में, वहां पर हम देख रहे हैं कि जो महाकाल मंदिर है वहां से शुरुआत करेंगे, 51,000 दिए वहां पे और बाकी पूरी सिटी में ओवरऑल मिला के 21,00,000 दिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है हमको, टीम ऑलरेडी वहां तक आ गई है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली। फिर हमने बोला कि भाई कौन सा कैंपेन लॉन्च किया शिवराज सिंह चौहान द्वारा, नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन 27 फरवरी को शुरू किया गया। 1.11 करोड़ चिल्ड्रन को यहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी ओवरऑल 3 दिनों में। फिर 26 फरवरी से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू किया बरलई इंदौर सिकल सेल कैंपेन। 15 नवंबर 2021 भोपाल मास्क की है जिंदगी। 20 जनवरी 2022 ये भी भोपाल। अगला स्किल डिजिटल इंडिया, 1 जुलाई 2015 स्किल इंडिया, 15 जुलाई 2015 नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, तो ये हो गया आपका 2017 का मिशन। 30 नवंबर जल 15 अगस्त 2019 आत्मनिर्भर भारत, 12 मई 2020 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, 15 अगस्त 2020 जल शक्ति अभियान, कैच द रेन 22 मार्च 2021। इससे पहले हम लोग बोले पंख और सांस, तो पंख है 24 जनवरी, सांस है 5 फरवरी और कैच द रेन जल शक्ति 22 मार्च। डेंगू से जंग जनता के संग 16 सितंबर 2021। फिर हमने बोला हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने कहां पर डिजिटल यूनिवर्सिटी दूसरी सेटअप करने की बात कही है इंडिया में, दूसरी मतलब ऐसे तो ओवरऑल फर्स्ट कौन सी केरला और इंडिया में दूसरी कहां पे, उज्जैन में। ठीक है तो उज्जैन में सेटअप किया जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है, थोड़ा आंसर ढक गया है तो ये लिखा हुआ है उज्जैन, ठीक है देख लिया। चलो नेक्स्ट चीज, फिर हमने बोला कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भोपाल ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल किसकी मदद से, सिंगापुर, नया नाम क्या है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी भोपाल में, और स्कूल जिनको अपग्रेड करना है सीएम राइज स्कीम में 9,200। फिर हमने नेक्स्ट चीज की बात की और यूनिवर्सिटीज का जिक्र करेंगे, एमपी की पहली ट्राइबल, या मैं कहूं एशिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां, तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक ट्राइबल मेडिकल कॉलेज खंडवा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, हिंदी यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहां पर भोपाल, संस्कृत यूनिवर्सिटी पनिनी, संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां उज्जैन, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सांची रायसेन, फर्स्ट एंड ओनली ओपन यूनिवर्सिटी भोज ओपन यूनिवर्सिटी, यूनेस्को ने इसको मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, एमपी की फर्स्ट और एकमात्र आर्ट और म्यूजिक यूनिवर्सिटी मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर। अगली चीज का जल्दी से जिक्र करें, फिर एमपी का पहला और एकमात्र जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी कहां पर भोपाल में। फिर हमने बोला यूनियन बजट 2022-23 में कौन सी सिटी को दिल्ली से कनेक्ट करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाएंगे, तो भोपाल से दिल्ली चलाएंगे और 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं 2022-23 में। निर्मला सीतारमन जी ने घोषित किया ट्रेन 18, इसका पहले का नाम था आईसीएफ पेरम्बूर चेन्नई, इसको बना रहा है टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने रेल कोच रेस्टोरेंट पर आ गए थे, हमने बोला कि सबसे पहला रेल कोच रेस्टोरेंट अगर ओवरऑल देखें तो शान है भोपाल, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आसनसोल वेस्ट बंगाल, दूसरा मुंबई, तीसरा नागपुर, चौथा जबलपुर। 14 फरवरी को उसको एस्टैब्लिश किया गया। फिर हमने बोला इंडिया की पहली फीमेल रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी, करंट जो मिनिस्टर ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, पहली ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस, पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर, लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल रीवा सीधी को कनेक्ट करते हुए 3.3 किलोमीटर, पहला रेलवे स्टेशन सैनिटरी पैड डिस्पेंसर के साथ भोपाल। और नेक्स्ट हमने बोला एमपी की न्यू रेल कोच फैक्ट्री झाबुआ, पुरानी वाली कहां निषादपुरा। चल अगली बात करते हैं, फिर नेक्स्ट हमने लास्ट क्वेश्चन बोला नर्मदा साहित्य मंथन कहां पर सेलिब्रेट होगा, महेश्वर में सेलिब्रेट होगा 4, 5, 6 तारीख को सेलिब्रेट होगा, जबकि जो नर्मदा जयंती है वो खुद कहां सेलिब्रेट होती है, तो वो होती है नर्मदापुरम में, सेठानी घाट नर्मदापुरम में इस बार भी वो सेलिब्रेट हुई नर्मदापुरम यानी होशंगा बाद। और कौन सी डेट्स को सेलिब्रेट हुई, 7-8 फरवरी 2022 को। चलो भाई तो यहां पर हमारा जो 1 मार्च 2022 का करंट अफेयर है वो हमने वाइंड अप किया। मुझे उम्मीद है कि इस चीज को, ये जो हमने सीरीज शुरू की है, ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर भी जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब मुझे उम्मीद है आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो, शेयर कर देना है ना। और इसके अलावा कोई फीडबैक हो, कोई आपका सजेशन हो, कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम के कोर्स मिलना टफ होता है, तो एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम के कोर्स हमारी ऐप पर ऑलरेडी मौजूद है। कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।